हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी वीडियो पर। मैं हूं सलमान। दोस्तों, आप अपनी वीडियो को कितना ही अच्छा बना लीजिए और कितनी ही मेहनत कर लीजिए और कितना ही एडिट कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी वीडियो पर थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज़ आएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है थंबनेल बनाना, और इसके काफ़ी मायने भी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना होगा, और ऊपर सर्च बार में लिखना होगा पिक्सल लैब ऐप, और आपके सामने कुछ इस तरीके की ऐप शो हो जाएगी। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट ओपन करता हूँ, और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको कैंसिल पर क्लिक करना है, फिर आपको डिलीट पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है, और फिर आपको नीचे से चौथे आइकन पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम पर क्लिक करना है, फिर आपको थंबनेल यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। और ये यूट्यूब का थंबनेल साइज है। अब आपको कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेना है। जो कलर आपको पसंद है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो, और राइट पर क्लिक कर देते हैं। फिर नीचे से हम तीसरे आइकन पर क्लिक कर देते हैं, फिर शेप्स पर क्लिक कर देते हैं, और इसको रेडियंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और आप चाहो तो इसमें कलर भी चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो ये कलर ठीक है। और आप चाहो तो इसका बॉर्डर साइज़ भी देख सकते हो। बॉर्डर साइज़ मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो ब्लैक रखने के लिए हमें कलर पर क्लिक करते हैं और ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका बॉर्डर साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और राइट पर क्लिक कर देते हैं। अब शेप्स को रोटेट कर देते हैं। चलिए रोटेट कर लेते हैं। रोटेट पर क्लिक किया और इसे ठीक कर लेते हैं, जैसा हमें करना है वैसे कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, और इसे आपको एक साइड पर रख देना है। इस तरीके से रखने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको स्पैन के आइकन पर क्लिक करना है, और एक और शेप्स कॉपी कर लेते हैं हम, इसको भी हम साइड में रखते हैं, लेकिन पहले इसका कलर चूज़ कर लेते हैं हम शेप्स में जाकर, और इसको हम कलर दे देते हैं अब की बार कुछ बढ़िया सा। इस बार हम कलर देते हैं रेड, तो चलिए हमने रेड कलर दे दिया, और राइट पर क्लिक कर देते हैं, और इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और थोड़ा साइड में लगा देते हैं। इस तरीके से आपको साइड में सेट करना है, आप साइड में सेट कर सकते हो ऐसे। तो चलिए मैंने इसे साइड में सेट कर दिया है। आप चलिए अब ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हो गया भाई, हो गया। फिर हमें एक टैक्स लिख लेते हैं। टैक्स मैंने व्हाट्सएप पर कॉपी किया हुआ है, तो व्हाट्सएप में जाके उसे कॉपी कर लेते हैं। चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और उस टैक्स को कॉपी कर लेते हैं। ये वाला टैक्स है पिक्सल लैब ऐप को यूज कैसे करना है, इसे कॉपी कर लिया। अब उसी ऐप में जाते हैं, ऊपर पेन के आइकन पर क्लिक करते हैं, टैक्स पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको इसमें साइड में लगाना है, और फिर आपको ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और कलर चूज़ करना है, जो कलर आप लगाना चाहते हो। तो चलिए मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं,
फिर राइट पर क्लिक कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं इस टैक्स को, और फिर ऊपर से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, और एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम गैलरी पर सेलेक्ट कर। यहाँ से हम एक पिक्सल लैब ऐप वाला आइकन ले लेते हैं और राइट पर क्लिक कर देते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे इस टेक्स्ट के ऊपर लगा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद नीचे से ये आइकन पर क्लिक करना है, और फिर इसका बॉर्डर भी आपको ब्लैक रखना है। तो स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं, इसे इनेबल कर देते हैं, फिर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करते हैं और राइट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया, इसे भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और हम दोबारा से क्रोम पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं। तो चलिए एक इमेज ले लेते हैं हम, इसे सिलेक्ट करके। तो यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं कोई बढ़िया सी, जो भी आपको इमेज पसंद हो वो इमेज लगा सकते हो। मैं अपनी कोई एक इमेज लगा के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो चलिए मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी ये वाली ठीक रहेगी। हाँ, तो नीचे से राइट क्लिक कर देते हैं और इस इमेज का साइज़ भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है तो चलिए छोटा कर लिए और इसे साइड में कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको इस इमेज का बॉर्डर भी सेट करना होगा। तो चलिए हम नीचे से बॉर्डर सेट कर देते हैं इसका, स्ट्रोक पर क्लिक कर इसे इनेबल कर देते हैं और नीचे से ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट पर क्लिक कर देते हैं। ये मैं कर देता हूँ इसे। इतना सब कुछ करने के बाद ये आपका थंबनेल तैयार हो चुका है, और अब इस थंबनेल को हमें सेव करना है। तो सेव के लिए ऊपर आइकन पर क्लिक कर देते हैं, नीचे सेव एज इमेज पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद ये आपका फ़ोन गैलरी में सेव हो जाएगा ये थंबनेल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एल्बम पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि ये जो थंबनेल है कहाँ पर आया है। ये पिक्सल लैब फोल्डर में ही आया होगा, और यहाँ से आप अपना थंबनेल देख सकते हैं ये थंबनेल कैसा बना है। और इसी तरीके से आपको थंबनेल बनाना है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है यूट्यूब थंबनेल बनाना। अगर आप भी थंबनेल बनाना सीखना चाहते हो तो इसी तरीके से आप थंबनेल बनाना सीख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।